हेलो दोस्तों, अनमोल रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कोकोनट मिल्क पाउडर रोल, जो कि 10 मिनट में तैयार होता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी भी बहुत होता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं फटाफट मीठा। तो प्लीज़ दोस्तों, जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट। मिल्क कोकोनट रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई ली हुई है, अभी हमने गैस ऑन नहीं करा हुआ है। ये फुल क्रीम दूध है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर का। ये हमने दूध डाल दिया और एक कटोरी इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से लम्स ना रहे, गैस चालू होने से पहले ही हमें इसको मिला देना है। और ये इसमें हमने इसमें थोड़ा सा मीठा डाला हुआ है, हाफ कटोरी के करीब। शक्कर है, मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको इस तरह लम्स बनाना है, तब तक हम मिलाते रहेंगे। ये हमने 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से चला लिए, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। अब हम गैस कर देंगे ऑन, इसको भी चलाते रहेंगे। और ये इसमें हम हाफ कटोरी घी ऐड करेंगे। अब इसको इसी तरह हम जब तक एकदम ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। इसमें उबाल आ गई है बहुत अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कम हो गया है। जब तक एकदम खोबे की तरह ना हो जाए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। 5 मिनट और लगेगा इसको होने में। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा जो बैटर है वो पूरा एकदम खोबे की तरह बन गया है। इस कंडीशन हम कर देंगे गैस बंद। ओनली हमें इसको बनाने से 7 से 8 मिनट लगे हुए हैं पूरी प्रोसेस में। अभी हम गैस बंद कर देंगे, उसको ठंडा करेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें बाकी की सारी चीजें मिलाएंगे। ये देख सकते हैं आप, पूरी कढ़ाई हमारी ये छोड़ चुका है। बस इसको हम एक पंखे के नीचे रख देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। ये देखिए दोस्तों, अब इस तरह से हमारा ये ठंडा हो चुका है एकदम। अब इसमें हम नारियल बूरा ऐड करेंगे। सबसे पहले ये हमने 3 इलायची को इस तरह से पीस लिया है। इलायची जाएगी इसमें, और ये ड्राई फ्रूट थोड़े से, काजू और बादाम। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये नारियल बूरा 1 कटोरी के करीब, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। बस अभी सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिला देना है। आप चाहे तो थोड़ा सा हाथ में घी लगा लीजिएगा, इससे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से हमने इसमें कोकोनट पाउडर को मिला लिया है। अब इसके हम रोल बनाकर तैयार करेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, अब इस तरह से हमें हाथों में जैसे रोल बनाकर सारे रेडी कर लेना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट, ना ही कोई टेंशन है कि बिगड़ेंगे या कुछ होएंगे। बिल्कुल 10 मिनट में हमारा ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें थोड़ा सा इसमें डेकोरेट कर देना है ये गार्निश के लिए। ये हमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर बचाया हुआ था। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी केसर डाल सकते हैं कलर के लिए, या फ्रूट कलर डाल सकते हैं ऑरेंज, वो आपके ऊपर है। बस इस समय और ड्राई फ्रूट्स आप डालना है, पिस्ता वगैरह भी डालेंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।